Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to a brand new episode of Comedy Kings, Ek Naya Tamasha. मैं हूँ आपकी host Natasha. आप सबको मेरा सलाम. हमारे शो का मकसद है to bring laughter to your homes and smiles to your faces. और ये एक बहुत मुश्किल लेकिन बहुत नेक काम भी है, क्योंकि दुखें और परेशानियाँ तो वैसे ही हम सबकी ज़िंदगी में बहुत हैं. हमारे आज का टॉपिक कंटिन्यू होगा लास्ट वीक से, विच इज पुलिस वाला. सो लेट्स बिगिन अ न्यू एपिसोड ऑफ कॉमेडी किंग्स, एक नया तमाशा. जी तो नाजरीन, शुरू करते हैं एक और शाम कॉमेडी किंग्स के नाम. सबसे पहले मैं बुलाऊंगी चालबाज की टीम को. रऊफ लाला, रूफी अनम, सिकंदर सनम, वली शेख, उज्मा ताहिर, परवेज सिद्दीकी, इस्लाम शाह और उज्मा अख्तर. इनके लिए जोरदार तालियां. चालबाज, आप इतना नाचते कूदते हैं फिर भी आपका वजन कम नहीं होता, इसकी क्या करें? यहाँ से नाचने के बाद खाना भी तो पड़ता है ना. मेरा ख्याल है दूसरी टीम को बुला लें. क्यों, छोड़े ना, आप लोग हैं बस, आप लोग ही बहुत हैं व्यूअर्स के लिए, ऑडियंस के लिए. मैं तो नहीं बुलाया, मैं क्या, आपकी तनख्वाह कटेगी. जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम दावत देंगे गोलीबाज से शकील शाह, जाकिर मस्ताना, आमना करीम, अमानुल्लाह और नईमा गर्ज. कॉमेडी का मुकाबला कम और डांस का मुकाबला. अभी आपने मुझे आवाज आ रही थी वहाँ पीछे, आपने कहा था बस यही लोग काफी हैं, बाकी को रहने दे. हम हमारे कागजात दिल रखने के लिए. दिल रखती कहाँ हैं आप? सब कुछ बता दूं, हाथ पांव कटवा दूं? बता दें, अच्छी बात है, दिल में नहीं रखनी चाहिए कोई बात भी. को दिल में आपके बात है मेरे लिए तो बता दें आप. मैंने इतने दिल कलेक्ट किए हुए कि मैंने जाके बैंक की सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में जमा करवा दिया. बड़ी बात है भाई, है क्या बात है. क्या बात है, क्या बात है अमान भाई, क्या बात है. अच्छा इसका नाक देखो गौर से, लगता टूटी बंद की हुई थी. अच्छा गौर से इनका मुंह देखें जैसे कूलर नहीं खुल जाता. बदला ले लिया ना तूने. मैं इनके पैरों को हाथ लगाऊंगा, हम तो इनके पैर की खाक भी नहीं है, ये तो हमारे सीनियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह. असल में वो कहते हैं ना कि जी चंद लम्हात होते हैं खुशियों के, अमान भाई मुसर्रतों के, तो ये समा ये महफिल दोबारा नहीं आएगी. इसलिए क्या खूब कहा है कि यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा. अरे बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ. अरे बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ. अच्छा तो आप दोनों टीमों ने लास्ट वीक परफॉर्म किया पुलिस वाले थीम पे, कैसा लगा ये थीम कैसा लगा? बड़ा अच्छा है, खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं लोगों की. बड़ा अच्छा सेट लगवाया हुआ, बड़ी अच्छी लाइटिंग की हुई है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है. आप लोग दोनों डांस कंपटीशन करते हुए तशरीफ रखिए. यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, बस हम. अच्छी बात नहीं, एक जगह काम करना मैंने माइंड में किया. मुझे इस बात का भजन देखिए, जब आपको बुरा नहीं लग रहा गिरा तो मैं आप पे हूँ, तो बुरा लगने की क्या बात. यही तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो तो मैं सब समझाने के चक्कर में था, तुम भी रैश हो गए. तलखी में बात जो है ना वो सही बात, सही बात. नहीं छोड़ दो, अब जो भी हो गया ना खत्म हो गया. मैंने उसको भी कहा, मैंने कहा कि भाई देखो मैंने जब उसको मना नहीं किया, ठीक है ना, काम में चोट भी लग जाती है बंदे को, मतलब गिर भी जाता है. मैंने उसे लालच दी, मैंने कहा बहुत खाना खिलाऊंगा तुझे. नहीं वो वैसे खाना भी बहुत खाता है. चलो आओ बस, ठीक है.
झगड़ा सी बात नहीं, आप अच्छे आर्टिस्ट हो, कोई बात नहीं, मेहरबानी आपकी यार। चलो ओ भाई, चलो मिलो। मैंने यार खत्म कर दो, पता है जो होना था हो गया। इतनी बड़ी बात तो थी नहीं कि आप लोगों ने इसको इतना बड़ा इशू बना लिया। आप दोनों भाई इतना जवान आदमी तो रिक्शा उठा सकता अपने मुंह से यार। नहीं नहीं मान लो ये मैं तो बस आ गया हूँ क्योंकि आप घर पे आ गए, इससे बड़ी क्या बात है। और आप दोनों हमारे मेहमान है, कॉमेडी मेहमान है भाई। पता क्या, ये जो मजाक होता है ना, जो कॉमेडी होती है, हमने तो लोगों को खुश करना है, और आप अपने अंदर इतना डिप्रेशन लेके चलोगे तो किस तरह लोगों को हंसा पाओगे। मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर रहा था, समझा ही रहा था। कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है बड़ा आदमी बनने के लिए ना, बहुत सारी चीज़ें करनी नहीं पड़ती, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, समझ गए ना। मतलब आप दोनों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग है, एक जोड़ी बनी है, अल्लाह ने आपके ऊपर रहमत की है। अब आप अगर इसको लड़ लड़के ख़त्म कर लोगे ना तो क्या करोगे? शर्म करो, डीसेंट तुम लग रहे हो, समझदार वो है। नहीं नहीं इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होगा, अकल वो अकल कर रहे हैं इतना। भाई जान चलो, गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो, हां हम मिलके रहते हैं। करनी अच्छा। एंड फाइनली वो लम्हा जिसका हम सबको बहुत बेचैनी से इंतज़ार था, गोलीबाज से एक बार फिर साथ परफॉर्म करने आएंगे आपके सामने इरफान मलिक और अली हसन। इनके लिए अरे बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। बस कर दे सिकंदर भाई, पहले पिछले एपिसोड में बोल चुके हैं गायबाना गाय का दूध निकाल। आप दोनों को एक साथ देखकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स और परफॉर्मर्स और बाकी पूरी टीम को भी बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को साथ देख के, ऑल्दो मैं इस वक्त आप दोनों के बीच में आई हुई हूँ। और मुझे खुशी इस बात की है कि जितने भी हमारे ये प्यारे प्यारे आर्टिस्ट हैं, इन लोगों के बहुत सारे फ़ोन मेरे पास आए। इन आर्टिस्टों की मोहब्बत और चैनल की मोहब्बत मुझे यहाँ दोबारा खींच लाई, और मुझे ये एहसास हुआ कि मुझसे शायद गलती हो गई, लेकिन मैंने वो सारी चीज़ें भुला दी हैं। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि मैं लाहौर से आने वाले जो हमारे मेहमान हैं जनाब अमान भाई और नसीम विक्की भाई का शुक्रिया अदा करूँगा जो मेरे पास घर पे आए मुझे मनाने के लिए। ये इनका, बल्कि मैं शर्म महसूस कर रहा था जब ये घर पे आए, लेकिन ये एक बहाना था चाय पीने का, तो मेरे लिए भी बड़े एजाज़ की बात थी कि ये दो बड़े फ़नकार मेरे पास घर पे आया और मेरे साथ इन्होंने चाय पी। तो इन सब के लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए। अच्छा, आप लोग दोनों के साथ आपकी एक पार्टनर भी हैं? बिल्कुल जी जी है, है अभी भी वो हैं, अभी जब परफॉर्मेंस हमारी शुरू होगी तो वो आपको नजर आएंगी, तो उनको बुलाएं। हाँ बुला लीजिए, मैं बुलाऊं? आप बुलाएं? नहीं, आप बुलाएं ना, प्यार आपसे आपके अंदर से आप प्यार झलक रहा है, झलक रहा है उसके अंदर से, खून नहीं निकलता आपके लिए, प्यार झलक रहा है। मैं एक काम कर देना, हम अपने स्टाइल में आएंगे अगर आप इजाजत दें तो। मुझे आपको इजाजत देने के लिए क्या करना चाहिए? चले जाना चाहिए, हम चले जाना चाहिए। मैं चली जाती हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या हो गया बेगम? बेगम? ओ कैसी बेगम, ओ कैसी बेगम? मैं तो पुलिस वाली हूँ, और पुलिस वाले सिर्फ एक ही चीज को पहचानते हैं, और वो है कायदे आजम। मेरे को भी पहचान, मैं तेरा मियां हूँ, कोई कैदी नहीं हूँ। इसलिए तो तेरे साथ इतनी रियायत कर रही हूँ, वरना इतने छत्तर मारूंगी ना कि तू बैठ भी नहीं सकेगा। मेरी बीवी बन, मेरी माँ ना बन। खबर था जो कानून के साथ ऊंची आवाज में बात की, तो तू मेरे एक रिमांड का भी नहीं है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए तुझे मैं ही मिला हूं। ओ, तुझे जैसी डेड बॉडी के साथ चीरफाड़ी की जाती है।
लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। जिंदा? कहाँ का जिंदा, कैसा जिंदा? मुर्दार कहीं का? तू तो मुर्दा से भी बदतर है। क्या, क्या किया मैंने? ना तूने मुझे आज तक कभी खुश किया है, ना तो कभी मुझे घुमाने लेके गया, ना कभी खाना खिलाने लेके गया, बस घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ता है हरामखोर। मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता हूँ, बर्तन मैं धोता हूँ, कपड़े मैं धोता हूँ, पलेटे मैं धोता हूँ, फिर रात को आके तू मुझे धोती है। तुझ जैसी गंदी चीज को ना रोज ही धोया जाता है, नहुसत साला। तलाशी, क्या क्या हुआ? तलाशी ने अपनी, अच्छा, पुलिस के साथ जबान दराज। तुम बेगम हो मेरी? आराम से ऐसे कैसे देख रही है? खूबसूरत आदमी कभी देखा नहीं है क्या? खूबसूरत? ये शक्ल है खूबसूरत की? बनूस मारा। एक दो, इधर दे। और ये किसके लिए रखा है? अपनी माँ के लिए? क्या कर रही है? ऊपर ऊपर लेना तलाशी। क्या हो गया? हाय, क्या हुआ? कुड़ी की तस्वीर? किसने रखी है? ये बदतमीज आदमी लड़की की तस्वीर मेरे जेब में रख दी। मेरे साथ होशियारी, मेरे साथ होशियारी। जानता नहीं है क्या हुआ? कानून सबको एक ही नजर से देखता है। तो दूसरी नजर मर गई है क्या? जबान दराजी मेरे साथ करता है। मुझे माफ कर दे। वो क्या हुआ? क्या हो गया? रिश्वत? नहीं नहीं, ये कानून को रिश्वत? हाँ। वो भी इतनी सी? चल ठीक है। हाँ। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? रात को घर पूरा साफ करके रखना, मैं ड्यूटी पे जा रही हूँ, शाम को आऊंगी। नजर नहीं जगह? क्या तेरी माँ ने क्या ठन्नी गिराई हुई है? जा, चली जा। छुचंदर साला। किस मुसीबत? अरे भाई इरफान कहाँ गया? भाई कहाँ गया? कब का वाक्य? कितने लोग थे? क्या हुआ क्या? अबे इतनी बुरी बुरी शक्लें बना रहा, हुआ क्या? यार मेरी बीवी ने मुझे मारा यार। शर्म कर, बीवी से पिट गया? अगर तेरी जगह मैं होता तो क्या करता? मैं भी पिटता। और क्या बे, बीवियों से कौन लड़ेगा यार? जब से अबे मैं कहता हूँ अगर बीवी से लड़ना है ना, हाँ। है? जिम ज्वाइन कर ले, एक्सरसाइज। अबे जिम तो मैंने ज्वाइन किया हुआ है। कहाँ? ये देख है? डोले कहाँ है? अभी बनेंगे। अबे एक्सरसाइज तो मैं करता हूँ। क्या एक्सरसाइज? मैं एक्सरसाइज ऐसी करता हूँ, एक बंदे को ऊपर बिठाता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा, हाँ करके दिखा। आ जा मेरे ऊपर बैठ। आ बैठ, ये देख। आ ये ऐसे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। करके बता। पागल के बच्चे, एक एक करके आओ ना, पूरे खानदान को लेके आ गया। यार मेरी बीवी जब से पुलिस में भर्ती हुई है ना, मुझे बहुत मार रही है यार है? मुझे पुलिस में भर्ती करवा दे भाई। अबे पुलिस में होने के लिए डाकुओं को पकड़ना पड़ता है, तू पकड़ सकता है? अबे मैंने तो एक डाकू पकड़ा था रात को है? अबे रात भर उसकी पिटाई की। अच्छा, सुबह उठ के उसने मुझे मारा। क्यों? मेरा बाप था बे। यार अच्छा सुन, मुझे पुलिस में भर्ती करा दे यार। तू पुलिस में होना चाहता है? हाँ हाँ। चल ठीक है, लेकिन इसके लिए तुझे सख्त ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। करेगा? अबे मैं हर ट्रेनिंग करूंगा भाई, तू मुझे एक दो पुलिस में भर्ती करा दे, मुझे अपनी बीवी से जान छुड़ानी है यार। चल मैं तेरा इम्तिहान लेता हूँ, तू कितनी ट्रेनिंग कर सकता है? अबे मैं तो सख्त से सख्त ट्रेनिंग करूंगा भाई। चल फर्ज कर ले, तू अब ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है? यहाँ बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है। समझ गया। ठीक है, तूने इस खाने पर ऐसे टूट पड़ना है जैसे पुलिस मुजरिमों पे टूटती है। अच्छा, पक्की बात है? पक्की बात है, आ जा। बेफिक्र रह, आ जा। 1 2 3 हो गया? अबे ये क्या कर रहा है? अबे
अरे जितनों को मार सका था मार दिया, सब बाकी को कैदी बना लिया। जितनों को मार सकना था ना मार दिया, बाकियों को कैदी बना लिया। अच्छा बात सुन भाई, देख पुलिस की ट्रेनिंग के लिए ना जिसी मजबूत और फुर्तीला होना चाहिए। अबे बहुत मजबूत है, पक्की बात है। ट्रेनिंग कर सकता है? हाँ कर लूंगा। चल उठक बैठक कर। उठक बैठक हाँ, कितनी दफा करेगा तेजी से स्पीड? ठीक है। एक दो तीन चार, एक हल्के करेगा, दोबारा गिनती होगी, दोबारा एक दो तीन चार पांच छह सात दो। वापस दो कहां से आ गया? हल्के करेगा दोबारा होगी, जल्दी से कोनी के बल जमीन पे रखा, कोनी के बल जमीन पे शाबाश। लग रही है यार, लग रही है कोनी पे, कोनी पे लग रही। तेरा मुंह देखो, कोनी और मुंह में कोई फर्क ही नहीं है। अबे मेरी कोनी पे चोट लग रही है यार। रिंग रिंग कैसे ना, जैसे खजूरा रिंगता है, हैं फसलों को तबाह करने वाली सुंडी। रिंग दरवाजा जल्दी, चल शाबाश। आहा आहा, ओहो ओ देख ओए मुजरिम भाग गया, उठ भाग शाबाश, मुजरिम के पीछे भाग, भाग तेज भाग ना तेज भाग, शाबाश शाबाश। उल्टे हाथ में भाग गया, उल्टे हाथ में भाग गया। अबे वो उल्टा हाथ नहीं होता जाहिल, सीधा हाथ होता है। इधर भाग सीधे हाथ पे, सीधे हाथ पे आ, सामने भाग शाबाश, तेज भाग। मुजरिम भाग गया, वो निकल गया, वो देख वो भाग रहा है, आगे भाग और तेज भाग। भाग रहा हूं मैं, अब तो तेरा घर भी निकल गया। जल्दी भाग शाबाश, जान लगा शाबाश, और तेज, वो देख सीधे हाथ पे मुड़ गया, सीधे हाथ पे, इधर आ जा उल्टे हाथ पे, फिर सीधा हो जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा। क्या हुआ? अभी रहने दे, कल पकड़ लूंगा। अबे इसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अब फर्ज कर ले तू ना डाकुओं से मुकाबला कर रहा है, अच्छा अचानक तू ऊंचे पहाड़ से नीचे लटक जाता है। समझ गया, ठीक है मैं तेरा अफसर हूँ, अच्छा। मैं तुझे बचाऊंगा, अच्छा। ठीक है लटक पहाड़ से, पहाड़ से लटकावा, हाँ लटकावा, पीछे लटक शाबाश। साहब साहब मैं गिर रहा हूँ साहब। मेरा हाथ मत छोड़ना, मैंने पकड़ा हुआ, तुम मत छोड़ना। अच्छा साहब, हाँ साहब मैं गिर रहा हूँ साहब, हाँ साहब आपका मोबाइल बज रहा है। अच्छा अल्लाह, अबे एक मोबाइल के चक्कर में तुमने आदमी छोड़ दिया। अबे हो सकता है कमिश्नर का फोन हो, बहरहाल ठीक है ना, तुम हो पुलिस वाले, ट्रेनिंग चल रही है, थकना नहीं है। समझ गया, तुम पुलिस वाले हो, मैं डाकू, अचानक तुम मेरे अड्डे पे छापा मार देते हो। ठीक है ठीक है, आओ छापा। रुक जाओ रुक जाओ, मेरा पीछा मत करो इंस्पेक्टर, मैं बहुत दूर निकल गया हूँ। पकड़ क्यों नहीं रहा? ट्रेनिंग कैसी करा रहे हो तुम ये? अबे ऐसी होती है ट्रेनिंग। अच्छा हाँ, अब तुम पुलिस वाले हो, मैं मुजरिम हूँ। समझ गया ना, मुझसे सवाल करो। हाँ भाई, तुमने ये कल पुलिस वाला है, मेरा दोस्त नहीं है, पुलिस वाला है। तुमने कल चोरी की, हाँ? तुम्हें अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं आया? आया था उनके, मतलब कि वहाँ चीज ही नहीं थी कोई। एक बात बताओ भाई, हाँ? और क्या क्या कर लेते हो? और मैं बहुत कुछ कर लेता हूँ। अच्छा हाँ? एक बात बताओ, हाँ? तुम्हें स्विमिंग आती है? स्विमिंग तो सर बहुत अच्छी करता हूँ। हाँ, अगर कोई मुजरिम पानी के अंदर कूद जाए, हाँ? तो उसको कैसे पकड़ोगे? समझ गया ना, समझ गया। स्विमिंग आती है? बहुत अच्छी आती है। मैं तुम्हारा इम्तिहान लूं? अरे इतनी अच्छी स्विमिंग आती है भाई, जब भी कराची के हालात खराब होते हैं ना, नदी नालों से निकल जाता हूँ। अब ये समझ लो हाथ जो है ना, ये इतना पानी है, ये पानी है, ठीक है, और तुम्हें अंदर ही अंदर तैरना है। समझ गया, आ जाओ। ठीक है आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, आ जाओ शाबाश, आ तैरो तैरो, पानी को मत देखो, नीचे तैरो, शाबाश शाबाश, और तैर और तैर, शाबाश शाबाश, आहा आहा। पागल के बच्चे पानी तो डाल दे, खड़े हो जाओ। अबे कैसी ट्रेनिंग करा रहा था? अबे मुबारक हो, क्या हुआ तुम पुलिस वाले सिलेक्ट हो गए हो? सिलेक्ट हो गया? हाँ। अच्छा ठीक है ना, अब तुम्हें हलफनामा पढ़ना होगा। हलफनामा? हाँ ये मेरे पास है। अच्छा ठीक है, हलफ लेते हैं ना शुरू में। हाँ, समझ गया। हाँ ये लो, ये तो पीआईए का कार्ड है। अच्छा ये लो, हलफ पढ़ो। अच्छा रेडी? रेडी।
मैं हलफ लेता हूँ, मैं रिश्वत लेता हूँ। अबे हलफ लेता हूँ, अबे हलफ लेता हूँ, अबे जो इसमें लिखा वो पढ़, अबे जो इसमें लिखा वो पढ़, अबे मैं इसका बता रहा हूँ, अबे मैं इसका बता रहा हूँ। क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया तेरे को, पागल हो गया, पागल हो गया। अच्छा जो मैं बोल रहा हूँ वही बोल रहा है, अच्छा जो मैं बोल रहा हूँ वही बोल रहा है। मैं गधे का बच्चा, वो तो तुम हो। हलफनामा पर, हलफनामा सही है, मैं हलफ लेता हूँ। हाँ ठीक है जी, कि मैं अपने मुल्क के लोगों की खिदमत करूंगा, मैं लोगों की खिदमत उनसे पैसे लेके करूंगा, अपने फर्ज की बेईमानी को बड़ी ईमानदारी से निभाऊंगा, मैं अवाम की खिदमत करूंगा, मैं अवाम की खिदमत उनके उनसे पैसे लेके करूंगा, हर एक से लूंगा, गाड़ी वाले से लूंगा, ट्रक वाले से लूंगा, रक्शे वाले से लूंगा, स्कूटर वाले से लूंगा, साइकिल वाले से लूंगा, चलते फिरते आदमी से लूंगा, मुजरिम को छोड़ दूंगा, शरीफों पर इल्जाम लगाकर अंदर कर दूंगा। जाहिल के बच्चे अपने पास से पढ़ा, सारा अपने पास से पढ़ा। सही तो पढ़ रहा हूँ भाई, सही कर रहा। बहरहाल तुम पुलिस वाले सिलेक्ट हो गए हो। अच्छा सलूट मारो। सलूट। हाँ शाबाश, सलूट मारो। सलूट। हाँ सलूट मारो, किसी और को नहीं मारो। वाह शाबाश, सलूट सलूट। हाँ वाह, क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ बोला ही भी नहीं। कैसे ट्रेनिंग करा रहे हो तुम ये? है? देखा आवाज भी नहीं निकली, माइक करीब था। हाँ सलूट सही मारा ना? सही मारा, जल्दी तेजी से मारो, गर्म जोशी से, ऐसे मजा नहीं, तेज मार, जान लगा और तेज, सेट तोड़ेगा आदमी किस तरह देख रहा हमें। ठीक है तुम पुलिस वाले सिलेक्ट हो गए, समझ गया। अब सोचो तुम किसी मुजरिम को पकड़ोगे, ठीक है, उसको टॉर्चर सेल में ले जाओगे। हाँ। और उससे उगलवाओगे क्या? और अगर मुजरिम ढीठ हुआ, हाँ, नहीं कबूलेगा, हाँ, तो तुम क्या करोगे? अच्छा हाँ? बहुत आसान काम है। कैसे? जैसे मैं मुजरिम हूँ। हाँ, हाँ बोलो। हाँ भाई। हाँ चोरी कर रहा है? चोरी की है? बता ना कहाँ चोरी की है, बता। सही तरह पूछो ना। बता ना चोरी कहाँ की है। ऐसे थोड़ी पूछते हैं। फिर कैसे पूछते हैं? मैं बताता हूँ कैसे पूछते हैं। कैसे? अब तुम मुजरिम हो, मैं पुलिस वाला हूँ। समझ गया? ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। अब तुम बंदे भी हो, सही है? क्या किया था तूने? हैं? क्या किया तूने? बता। हाथ तो खोल दो। बता। नहीं साहब, बोलता क्यों नहीं है? साहब मैंने कुछ नहीं किया। कुछ क्यों नहीं किया तूने? तूने कुछ भी नहीं किया? नहीं साहब कुछ नहीं किया। उधर क्या कर रहा था? बोल तूने जुर्म किया है? नहीं। अबे तुम लोग क्यों आए थे बनाने घर पे मुझे? बोल बोल बोल, जोड़ी तोड़ेगा, नाराज होके जाएगा। इन सबको, इन सबको माफी मांग उनसे, माफी मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ। राहुल लाला उसका रिश्ता है, उसको कोई रास्ता नहीं देता, रिश्ता किसने दे दिया? अबे एक बात बताओ यार, ये भैंस अगर फिटकरी खा ले दूध फटावा नहीं देगी? वेलकम बैक जी। तो नाज़रीन ये थे इरफान मलिक और अली हसन गोलीबाज से, और उनके साथ तत्मईन थी। मुंह मारी तो उनकी दो एपिसोड्स पहले हुई थी, लेकिन झगड़ा आज हुआ। अब मैं बुलाऊंगी चालबाज से नसीम विकी और रूबी अनम को, इनके लिए जोरदार तालियां। चीखे निकलवा दूंगी सबकी। लग रहा है ना लड़का हूं? नहीं लड़की हूं, यहां पे मैं आई हूं सिर्फ अपने मंगेतर को ढूंढने। अम्मा ने कर दी मंगनी, मैंने कहा भी मत करो शादी, मैं वैसे ही ठीक हूं, नहीं करनी शादी, लेकिन फिर भी लड़का ढूंढ लिया। अब मैं भी यहां नाका लगा के खड़ी हूं, ये उसका मोहल्ला है, यहीं से उसने गुजरना है और यहीं वो रहता है। मैंने कहा पहले चेक तो कर ले, पता तो कर ले लड़का है कैसा, उसमें कोई खामी तो नहीं है।
कहीं वो कोई जुआ ना खेलता, कोई ऐसी बुराई वाली हरकत ना हो, लेकिन देखें वो यहाँ से गुजरेगा तो ठीक है, वरना बहुत से लोग हैं किसी को भी पकड़ लेंगे। हाँ हंसते हुए बहुत बुरा हंसा भाई, जो भी हंसा, ये हंसी मोहब्बत वाली नहीं थी, ये थी मजाक वाली। मैं हंसा लेती हूँ काम से भी इंशाल्लाह। अभी देखो मैं तो चोर को पकड़ लूँ तो मैं उसको मारती थोड़ी हूँ, दांत इतनी जोर से काटती, बोटियाँ निकाल के ले जाती हूँ मैं तो उसकी। अभी यहाँ से आज वो गुजरे तो बस मेरी तो जिंदगी या बर्बाद है या बन जाएगी। देखो किधर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये पुलिस वाले लल पाकिस्तानी हैं, वाले अहमद अल शेख हन्नान है, वाले नाम लल पहचान लल शनाख्त है, वाले लल पाकिस्तानी लल पुलिस लल नाका, वाले रिश्वत लल खोर लल अड्डा लल नाश्ते। मैंने इससे नाम भी नहीं पूछा और ये आके यहाँ खत्म किसका पढ़ना शुरू कर दिया इसने। वाला नाम लल पुलिस वाले लल खत्म है, वाले अरबी लल ज़बान लल सही लल ज़बान लल सही लल ज़बान लल इस्तेमाल है, नाम लल गलत लल गुफ्ता शनीदा, वाले लल मुक्का लल नाका, वाले फोर लल नखून है, वाला तमीज लल गुफ्ता शनीदा, नाम लल गलत लल बयान है। ओहो मुझे तो लग रहा है ये उसामा की चुगलियां लगाने आए यहाँ पे। वाला नाम लल चुगल खोर है, वाला सही लल इंसान है, वाला सही लल दिमाग लल सही लल दिल है, वाला खूबसूरत लल दिमाग लल मालिक लल दिल है। कौन भाई कौन? वाला शेख हन्नान बिन फन्नान, वाला लामद लल पाकिस्तान, नाम लल अवरा गर्दी है, वाला सैर तफरी है, नाम लल कारोबारी लल सिलसिला। नाम क्या तेरा नाम? वाला इसमें 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 वाला शेख हन्नान बिन फन्नान, वाला रोटी और नान ना नान। हाँ। शेख हन्नान बिन फन्नान, वाला अहमद अल पाकिस्तान, वाला मकसद अल बयान। हाँ या शेखा, वाला पाकिस्तान क्यों आया? वाला पाकिस्तान अल कारोबार अल वसी अल मकदार, वाला ना कारोबार अल पाकिस्तान अल गरीब अल मस्कीन, वाला पाकिस्तान अल अमीर अल कबीर अल आदमी, वाला अल कुल अल पाकिस्तानी अल बामिद अल जस्बी अल गुफ्तगू शनीदा, वाला कारोबारिया, वाला मकसद अल बयान, वाला गाड़ी अल महंगी, वाला पेट्रोल अल काफी अल महंगाई है, वाला पेट्रोल अल नाम अल अफोर्ड अल पाकिस्तानी अल कौम है, वाला वफर अल मकदार अल मालक अल ऊंट अल तेल अल कुआं, वाला अरब अल अमारात है, वाला मस्कत अल दुबई अल कुवैत अल शारजा, वाला आमद अल शारजा, वाला ऊंट अल काफी अल मकदार अल पाकिस्तान अल गाड़ी अल खत्म है, वाला ऊंट अल सवारी अल जारी है, वाला ऊंट अल नाम अल पेट्रोल है, वाला सी एन जी है। कौन सा अरबी है? वाला किट्टल, वाला किट्टल सी एन जी है, वाला ऊंट लल बैक साइड है, वाला सस्ती लल सवारी है, वाला ऊंट है, वाला दूर दूर लल मुसाफरी है। ये अरबी कौन सी है जिसकी सारी समझ भी आ रही है और ये अरबी भी बोल रहा है? अच्छा पहली दफा पाकिस्तान आए, मेरे नाते पे आए हैं कुछ खाने के लिए, बताओ। वाला नाम लल खुराक लल सही लल पाकिस्तानी लल कमजोर लल खुराक लल खालिस लल इस्तेमाल लल तेल लल ठंड लल नाम लल सही है। वाला फील अल अल कमजोरी है, वाला नाम अल खुराक अल सही अल पाकिस्तानी अल पाकिस्तानी अल खुराक अल मसूर अल दाल अल आलू बतंग अल भिंडी अल तोरी अल लेस अल सब्जी है। वाला नाम अल सही अल ताकत अल महसूस है, वाला किपिनी अल कमजोर अन वाला डौल अल नाम अल सही है, वाला ताकत अल नाल अल महसूस अल अल पैर अल कमजोरी अल कमजोरी अल नाम सही है, वाला अरब अल खुराक अल ताकत अल वाला सही अल नहम न खालिस अल खालिस अल खुराक अल अरब अल अमारात वाला मस्कत अल दुबई अल कुवैत अल शारजा वाला खुराक वाला अरब अल अलाकात अल बुर्ज अल अमारात अल खुराक अल खास अल जतून अन तेल अन सुकी बच्ची अन वाला शवारत अन वाला खादत अन चिंगत अन पेंदत अन पिंडत अन फटकत अन सुन साहब सुन। ये तो लगते इंडिया से भी हुआया। पाकिस्तान आयो कोई एंजॉय करवाओ, कोई फिल्म शिल्म दिखा के लाओ। वाला वाला पाकिस्तानी वाला फिल्म वाला काफी वाला खूबसूरत है, वाला सैम है, वाला शान है, वाला शाहरुख है, वाला शाहरुख इंडिया में, पाकिस्तान शान, वाला शान है, वाला पाकिस्तानी वाला शान है, लड़की बड़ी खूबसूरत पाकिस्तानी, वाला लड़की वाला खूबसूरत है, वाला या ना या शेख लड़का 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 वाला ना वाला लड़का वाला या शेख वाला खूबसूरत है मैं वाला नहीं अल्लाह रब ने बना दी जोड़ी है लाल शाहरुख खान है। मारेगा तुम घोर से कौन है भाई तुम? वाला नाम ये अल शेख जो अल कापी है। कापिया नहीं, इसमें मैं लिख कर रखती हूँ सबकी बातें। वाला तलाक अल पेपर है। तलाक तेरी माँ को तलाक हुई है, बकवास कर रहा है मैं। डंडा तेरी नासों में देकर कानों में से निकाल लूं कि तुझे पता नहीं मैं कैसे कैसे ऑपरेशन कर लेती हूँ। वाला कह डंडा लल नास लल नकान है। हाँ। वाला नाम लल थाने दार वाला केबल अल कार बहर है, वाला ये तो नास लल कान अल बहर है। कौन है तू? है ऐसी ऐसी हो। अच्छा जी ये
अरबी क्यों बने हुए थे जरा थोड़ा सा बता दो। अरबी मैं क्यों बना हुआ था? हाँ, तो तू मेरे इलाके में थानेदार बन के क्यों फिर रही है? मैं तो थानेदार हूँ। अच्छा तू थानेदार है? हाँ। तू थानेदार है? मैं थानेदार हूँ। अच्छा तो मेरी यहाँ परचून की दुकान है? यहाँ मत उतारो, कितनी बुरी बात है। अभी ना करो, तुझे बता ये तुम्हें जो आते पड़ी हुई ना, इसको पहले सर में डालना, सारा कुछ मैं पहन लूँ। सारा कुछ तू पहनेगी? अच्छा तुझे अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। पुलिस वाला पेड़ से लगा मुझे। लो वापस कर दो। नहीं नहीं ये मुझे मेरा डंडा भी दे दो। अच्छा तो हाँ अब बताओ यहाँ क्या कर रही हो मेरे नाके पर तुम? मैं साहब जी आपको बताऊँ, मैं तो एक छोटी सी पुलिस वाली हूँ। साहब जी मेरी अम्मी मेरी शादी कर रही है। अच्छा मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं चाहती मैं जिंदगी को वैसे एंजॉय करूं, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। शादी के बगैर तो एंजॉय हो ही नहीं सकता, शादी के बगैर तो कैसे एंजॉय करेगी? ज्यादा से ज्यादा कोई गाड़ी चला सकती हो? नहीं साहब जी मैं बताऊँ। हाँ। आप मुझे बताएं अगर आप वैसे मैं तो कहता हूँ पुलिस में ही हो जाओ, खुदा की कसम बड़ी प्यारी लग रही हो। है साहब? हाँ जरा अपने बाल खोल के दिखाऊं। साहब बाल खोल के दिखाओ। साहब जी तेरे बाल खुले होंगे ईमान से, ये मूछें उतार। साहब जी ऐनक उतार। साहब जी अगर हमारे मुल्क की ऐसी पुलिस हो जाए खुदा की कसम किसी इशारे पर भी कोई गाड़ी इशारा ना तोड़े। साहब जी और तेरे इशारे पे जो ना रुके उसकी गाड़ी ना तोड़ दूं मैं। साहब जी हाँ साहब जी आप मुझे बताएं आपकी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जिसको आपने कभी देखा भी ना हो, अंडरस्टैंडिंग भी ना हो, आपने कभी उसके साथ फोन पे बात भी ना की हो, कभी रुका भी ना लिखा हो, कभी माँ बाप के कहने पर इसी तरह था खाना खराब। जहाँ माँ बाप कहते हैं वहाँ शादी करनी चाहिए, अपनी मर्जी से शादी करो कि चार साल बाद वो वापस भेज देंगे और सामान भी रख लेंगे फिर बैठी देखोगी। साहब जी मैं बोटियां ना कर दूं उसकी, आप मुझे जानते हो बोटियां ना कर दो तुम, लड़की हो कसाई है बोटियां कर दोगी। साहब जी मेरा दिल बड़ा करता है जिसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग हो, मैं दो चार महीने मरी जरा उसको मौसम पे बात करके आऊं। अच्छा। गजलें सुन के आऊं, कोई शेर सुन के आऊं। तीन साल चार साल मरी उसके साथ जरा गजलें सुन के आऊं और वापस आके कहूं कि अम्मी मेरी इसके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। हां तो क्या है साहब जी, जब मैं इसके साथ सारी जिंदगी कैसे गुजार सकती हूं? हैं हां साहब जी, साहब जी पता नहीं है कि तू किसके सामने खड़ी है, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अच्छा साहब जी अगर आपकी, मैं बहुत सख्त इंस्पेक्टर हूँ, मैंने अपने नाके पर ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ा कि मैं जानता हूँ या मेरा सिर्फ अल्लाह जानता है। जाए साहब जी आज तक मैंने कभी अखबार में फोटो तो देखे नहीं आपकी कि आपने कभी किसी डाकू को चोर को या किसी गलत बंदे को पकड़ा हो। मैं असल में कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। हाँ। अभी परसों मैंने एक नाके पर एक डाकू को पकड़ा, मैंने अपनी पिस्तौल निकाल के उसकी कनपटी को लगा के मैंने बोला तुम्हारे पास क्या है, वो कहता साहब मेरे पास भी पिस्तौल है। मैंने कहा क्या चाहते हो, कहता अपनी पिस्तौल मुझे दे दो। मैंने कहा ले लो भाई। साहब जी आपने पिस्तौल चलाई क्यों नहीं? भाई मेरी सरकारी थी उसकी रोजाना चलने वाली थी। साहब जी कभी किसी डाकू को पकड़ा है? डाकू को नहीं, मैं उनको नहीं पकड़ता। क्यों साहब जी? देखो ना देखो अपना कपड़े बदलने में टाइम लग जाता है ना, तो अपने आप को बंदा कैसे पकड़ सकता है? खुद को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं साहब जी कहीं मैंने एक दफा देखो अब मुल्क के हालात बड़े बुरे हो गए ना। हाँ। अब देखो मैं चोरों डाकुओं के इसलिए हक में हूं, बेचारे करे क्या? क्यों साहब जी? देखो ना कितनी ज्यादा बेरोजगारी हो गई है, बेचारे काम करे तो क्या करे, कहीं काम करते हैं तो उसको मजदूरी पूरी नहीं मिलती है। हाँ साहब जी ठीक है ना, बेचारों के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अब तो ये कि सिर्फ आम लोग ही नहीं हिजड़ों ने भी डकैतियां करनी शुरू कर दी है। हाँ नहीं क्यों उन्हें मैं बता रहा हूँ तुम्हें, नहीं साहब जी मेरा यकीन क्यों नहीं करती हो? साहब जी आप मेरे से बदतमीजी ना करें, आप मेरे साथ ही हैं। हमारे मोहल्ले में एक हिजड़ा उसने तंग आके ना बेरोजगारी से अपना एक पिस्तौल खरीद के तो जाके डाके मारने शुरू कर दिए। कैसे साहब? तो पहला डाके उसने जाके शेख की दुकान पे मारा है, शेख साहब को जाके चल भाई निकाल जो कुछ है तेरे पास, चल शाबाश दो मिनट लगा, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैंने जाके ना शैम्पू भी करना फिर नहाना भी, चल शाबाश जल्दी कर। खुदा की कसम शेख तो मुझे जानता नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा सख्त हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगा, चल जल्दी सारे पैसे निकाल के इधर रख दे और जितने भी जेवर है इधर रख दे, ठीक है कि नहीं? बाद में सुबह अखबार में अगर झूठ बोला तो मैं बहुत बुरी पेश आऊंगी। वो शेख समझ गया कि ये हिजड़ा है और कहता चलो हिजड़े पिस्तौल नीचे रख के कहता आज फिर इधर फायरिंग ही होगी। इस बात पे पकड़ा गया। साहब जी क्या पकड़ना आपने किसी को और क्या छोड़ना? साहब जी मेरी जिंदगी बना दें। क्या साहब जी? मैं चाहती मेरी जिंदगी बन जाए, उस लड़के का पता तो करा दे जिससे मेरी शादी होनी। किससे शादी करना चाहती हो? साहब जी मैं शादी तो उसी से करूंगी जिससे मेरी माँ ने कहा मैं को खराब लड़की हूँ, जब भाग के शादी करूंगी। नहीं, नहीं तुम्हारी आवाज से लग रहा तुम घरेलू हो। तेरी आवाज से लग रहा तू सुबह उठ के रोजाना 40 रोटियां पकाती होगी। साहब जी जी आप मेरे साहब जी हैं तो आप अपनी इज्जत कराएं मेरे से, वरना मैं बड़ी कपत्ती औरत हूं। तो मेरा क्या कर लोगे तुम कपत्ती हो तो? हैं साहब जी वैसे आपस की बात है, हमारी पुलिस इतनी बदतमीज क्यों है? देखो ना बदतमीजी करनी पड़ती है, बदतमीजी ना करे तो सामने वाला बस ज्यादा कर जाता है। अभी एक नाके पे मैंने एक बंदे को पकड़ के कहा, मैंने कहा चलो मुंह सूंघा, कहता पहले तू सूंघा, मैं कहा जा अगर वो मेरा मुंह सूंघ लेता तो दोनों गंदे हो जाते ना।
साहब जी छोड़ दे, मैं आपको सही बता रही हूँ, कसम से मेरी माँ मेरी शादी कर रही है, चंगा भला मेरा इतना प्यारा रिश्ता आया था मैं आपको बता नहीं सकती। किसका रिश्ता था? यकीन करें यहाँ पे करांची के अंदर। अरे वाह, करांची का इतना प्यारा खोबरू लड़का। अरे सदके सदके तेरी लॉटरी निकल आई करांची में शादी। हाँ कौन है गबरू? सिकंदर सनम। सिकंदर सनम, सिकंदर सनम से शादी करोगी? शादी नहीं करोगे, रिश्ता आया फंसा पड़ा बस थोड़ा सा। अच्छा उसके साथ शादी ना करना? क्यों? अभी और 2-3 साल के बाद उसका सांप बन जाना है। आपस की बात है साथ। हाँ आपस की बात, मैं अभी तुझे बता रहा हूँ। अभी सिकंदर सनम के साथ 2 दिन पहले मैं यहाँ पर शॉपिंग के लिए गया था। फिर मैंने दुकान वाले को जाके बोला, मैंने कहा भाई टाई है? कहता है। मैंने टाई ली, लगा ली। हाँ। सिकंदर सनम कहता है भाई वो है? कहता तेरे से ज्यादा नहीं है। साहब जी यहाँ कराची में वन मैन शो होते हैं। अच्छा, बड़े पैसे कमाते हैं। कौन? रऊफ लाला, वो भी फंसा पड़ा है। रऊफ लाला, उसका रिश्ता है? उसको कोई रास्ता नहीं देता, रिश्ता किसने दे दिया? रऊफ लाला से शादी करेगी? साहब जी जब रऊफ लाला की पहली शादी हुई थी ना। हाँ। मैं उसकी बरात में ही था। अच्छा, लड़की के मामू ने उसके करीब बैठ के उससे ही पूछ लिया था लड़का कौन है। मुंह से बढ़िया रुमाल उतार के कहता अंकल मैं ही हूँ। उसने उसे कुछ नहीं कहा, अंदर जाके अपनी भांजी को गोलियां मार दी थी। फिर लाला ने अपना सेहरा उतार के ना। हाँ। तो अपना रुमाल नीचे रखे, उसके अंदर सेहरा रख के, तो रुमाल बांध के, तो जब चला ना तो पीछे से 200 ने गाना गाया था। क्या? ओ साडे यार ने बन ले शेर। साजी सच्ची बात बताऊं? हाँ, लाला से शादी ना करना। नहीं नहीं, उसने 6-7 पहले भी शादियां की हुई हैं। हैं? हाँ, मैंने पूछा था, मैंने कहा इतनी शादियां क्यों करता है? हाँ? कहता यार शादी की बात नहीं है। हाँ? बारात वाले दिन जब सारे कहते ना आओ लड़का देखने चले, उस वक्त बड़ा मजा आता है। नहीं साहब जी। हाँ? ये तो दिल की बात होती है, ये तो मैंने आपको उनकी च्वाइस बताई है। अच्छा च्वाइसे? मैं अपनी च्वाइस बताती हूँ। क्या तेरी च्वाइस है? मुझे तो वो पसंद है। अमानुल्लाह से शादी कर लो। मैं तो नहीं, वो हमारा बड़ा बाप है। अमानुल्लाह से शादी कर ले, तेरी सारी जिंदगी सवर जाएगी। जुमे हर वक्त तुम्हें खुश रखेगा, तुम्हारा घूंघट उठा के गएगा। और तुझे पता है मानुल्ला बोलता कैसे? कैसे? ओ खुदा पाक दी कसम तेनू मेरे बड़े फायदे ने बेवकूफे। और रहती उधर उधर ही नहीं शादी करी, मैंने तो करनी सबसे बड़े आदमी से यहाँ का, जो सबसे पसंद है मुझे। कौन है? इस्लाम शाह। भाई मानी नहीं करेगा, सारी जिंदगी धोखा नहीं देगा मुझे। वो जो इस्लाम शाह ये दे, दूसरे वाला गंजा, दूसरे वाला है। पहले वाला गंजा नहीं है? नहीं नहीं, दूसरे वाला गंजा है। हाँ। ये दोनों गंजे या दो मोटरसाइकिलें आ रही हैं इधर। अच्छा इससे शादी करोगी? हाँ साहब, ये तुम्हें बहुत खुश रखेगा। हाँ साहब जी, है ना। हाँ, इसने कौन सा घराना है? साहब जी पुलिस वाले से शादी कर लूं, सारी जिंदगी मोहब्बत की गुफ्तगू नहीं होगी, मोहब्बत की बात नहीं करेगा, खुश्क जिंदगी। मैं देख मेरी बात सुनो, पता क्या मेरा भी यही मसला है। हाँ। मेरा माँ बाप भी मेरी शादी कर रहा है। फिर तो ठीक है ना, लड़की उन्होंने देख लिया लेकिन मैंने लड़की देखी नहीं है। क्यों नहीं देखी? तो मैं चाहता हूँ कि मुझे जरा उसकी तस्वीर दिखा देते। पता क्या, बीवी जो है ना ये ना आपके भी मेरे वर्गे हालात हैं। 4 दुकानें फिर के ये सौदा ले बंदा, पहली दुकान से ना ले ले सौदा, बंदा फंस जाता है। बिल्कुल साहब जी। हाँ। तो कोई लड़की देखी फिर घर वालों ने रिश्ता देखा? लड़कियां तो बड़ी देखी हैं लेकिन पसंद अभी तक मुझे किसी ने नहीं किया। साहब जी तो आप किसको पसंद करेंगे तो वो आपको कर लेगा। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी बीवी हो ना गूंगी हो। जी साहब, औरत होनी गूंगी चाहिए। क्यों साहब जी? जाते हुए ये ना पूछे कहाँ जा रहे हो, आते हुए ये ना पूछे कहाँ से आए हो। बंदा काम पे हो पीछे फोन ना करे, बस चुप करके बैठी रहे, जो मर्जी कपड़े दो पहन ले, जो मर्जी खाने के दो खा ले, बस गूंगी गाय की नुकसान है। क्या? शाम को ये नहीं बता सकती कि आपके बाद कौन आया था। साहब जी आपकी तो पता नहीं कैसी मर्जी है। साहब जी जी आपको अल्लाह का वास्ता है। मैं वो क्या नाम क्या है जिसके साथ तुम्हारी शादी हो रही है? साहब जी उसका नाम पता नहीं, उसको प्यार से बूटा ही कहते हैं। बूटा? हाँ। अच्छा। साहब जी सफदर अली पता नहीं उसका नाम है। बूटा, बूटा कहते हैं उसको। तो उसको बूटा ही कहते हैं। तो जो मेरे साथ शादी करने वाली है उसका नाम पता क्या है? क्या है साहब जी? उसके घर वाले उसे मोनस मोनस कहते हैं। तेरा क्या नाम है? मेरा नाम भी मोनस ही है। मोनस नाम है मेरा भी। उसकी माँ का नाम तो गजाला है, तेरी माँ का क्या नाम है? लो जी हाथ मिलाओ, मेरी माँ का नाम भी गजाला ही है, अल्लाह की कसम। उसके बाप का नाम शेख सराज है। लो
ये कैसे होगा, मेरे बाप का नाम अभिषेक सराज ही है। बाजी आपके साथ होगी मेरी शादी। ठीक है, मुझे तुम्हारी गुफ्तगू भी पसंद आई है। तुम भी शक्ल सूरत के शाहरुख से कम नहीं हो, लेकिन सीधी सी बात है, हाँ। मैं चाहती हूँ जो मेरी शादी जिससे हो ना, वो एक कामयाब बंदा हो और वो रिश्वत भी ना लेता हो, हलाल की। अरे तुझे किसने कह दिया कि पाकिस्तानी पुलिस रिश्वत लेती है? लेती है। रिश्वत वो लेता है जिसका इस महकमे के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं होता, जिसका इंसानियत के साथ और इंसानों के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता, जिसका अपने घर वालों के साथ अपने आबाओ अजदाद के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, वो रिश्वत लेता है, वो इंसान होता ही नहीं है। और हमारे पाकिस्तान का सिपाही कभी रिश्वत ले? कभी ऐसा हो सकता है? जितनी आफत हमारे पाकिस्तान के ऊपर आ रही है, पूरी दुनिया की नज़रें इस मुल्क के ऊपर हैं, अगर हमारे मुल्क का सिपाही जाग ना रहा होता तो ये कब का ख़त्म हो चुका होता। और इतनी चंगी गल की है जा फिर मेरे वालों, हाँ ही है। इसका मतलब मेरी बुराई के दिन शुरू। ओ आगे लग चल, ब्याह के दिन रखे बीच में से शादी करें। चलो इज्जत से लेके जाते हैं, ये पकड़ो अब आओ। चलो आगे। And that was a very, very entertaining performance from Chalbaz, Naseem Vicky और Ruby Anam. इन्होंने हमें दिखाया कि पुलिस और डाकू में वैसे तो कोई ज़्यादा फ़र्क है ही नहीं। हमारे अगले परफॉर्मर गोलीबाज टीम से आएंगे सलीम शेख, सलीम आफरीदी और नेहा खान। इनके लिए भरपूर तालियाँ। ना बंदा है ना बंदे की जात, ऊपर से बचीरा भी पता नहीं किधर चला गया है। अब पुलिस में जॉब करने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि बंदी बंदी नहीं रहती है, किसी को हमारी परवाह ही नहीं है। अब इतनी कुछ सुनी जगह पे मुझे कुछ चार बंदे उठा के ले जाएं तो किसी को परवाह होगी? हाँ और क्या, और आगे से खबर ये आ जाएगी कि रात की ड्यूटी पे पुलिस वाली का मर्डर हो गया, बस इतनी बड़ी न्यूज़ लग के लोग जो ना सफा पलट देंगे। ये तो होती है हम पुलिस वालों की जिंदगी। बस लोग तो पुलिस वाले के बारे में ये सोचते हैं ना, पुलिस वाले करप्ट होते हैं, पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, पुलिस वाले जो है ना बस ड्यूटी नहीं करते, आगे से बस पैसा कमाते हैं। कभी हमारे घरों में आके देखो तुम लोग, हम लोग जीते किस तरह के से, 12-12 घंटे ड्यूटियाँ करते हैं ना, दिन देखते हैं ना हम लोग रात, बस देखो आया कोई आया अभी अभी मैं बता तेरा बाप पागल होगा, तू खुद पागल होगा, आने दे आने दे जिसको देखो मेरे को पागल है, आने दे मैंने कहा फिर कल आना। ये पागलपन तो ना, मुझे कह रहा पागल है, मैं पागल हो गया। अबे चुप कर, ये पागलपन तो ना हुआ, ये तो तुम्हारी सरासर बेवकूफी है। बेवकूफ कह रही है, वो पागल कह रहा है, वो रक्षे वाला भी मुझे पागल कह रहा है, आनी तो खुद पागल है। मैंने उससे पूछा यार ये कोरंगी जाने के कितने पैसे लोगे, कहने लगा 250 रुपए। मैंने कहा 20 रुपए में लेके चलते हो, कहने लगा पागल 20 रुपए में कौन लेके जाता है, मैंने कहा मैं लेके जाता हूँ तू बैठ। अरे वाह पप्पू, ये कह रहा पागल है, मैं पागल हूँ, तुम बता खुद खाला मैं पागल हूँ क्या? ना तू बिल्कुल पागल नहीं है, बट बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चैनल है, समझ आई? इंटरेस्टिंग चैनल ये तो कुछ नहीं, कभी रात की नशियात देखना। रात को तो मैं सब लोग मुझे पागल कहते हैं, वो नाई नहीं है नाई, हाँ। मेरे पे गुस्सा हो रहा है, क्यों? कह रहा तू पागल है, मैं सिर्फ उससे इतना कहा था कि तुम्हारे उस तरह से अपनी शेप बना लूं कितने पैसे लोगे। अबे नाई क्या पागल है तो कि वो फोकट में अपनी दुकान नहीं चलाएगा क्या? अच्छा नाई पागल नहीं है तो ये वो दूध वाला तो पागल है। दूध वाले का क्या है बता? अबे दूध वाला दूध दे रहा बेच रहा था, मैं उसके बाड़े में घुस गया, मैं उसकी भैंस को दूध पिला रहा था, वो आ गया कह रहा बड़ी मुश्किल से तो अभी निकाला तू फिर पिला रहा है, मैंने कहा दूध पतला है एक दफा और चक्कर लगा लूं गाढ़ा हो जाएगा। मैं पागल हूँ क्या? बहुत बड़े जहीन आदमी है आप तो, जहीन है ना? चुप भाई, मेरे एक सवाल का जवाब दो, ये भैंस तो काली होती है दूध सफेद क्यों देती है?
मुझे नहीं पता क्योंकि मैं दूध नहीं पीती, समझ आई? दूध नहीं पीती? तुम दूध ही नहीं पीती? अच्छा नहीं लगता दूध? अबे एक बात बताओ यार, ये भैंस अगर फिटकरी खा ले दूध फटावा नहीं देगी? अबे मैं कहाँ फंस गई, किधर आ गई हूँ? पागल हो गया है, अजीब अजीब सवाल कर सवाल कर करके मेरा दिमाग पका के रख दिया। एक सवाल का और जवाब दे दो। बस एक सवाल, एक के बाद ना चमार पड़ेगी खींच के। मानना नहीं, मैं और पागल हो जाऊँ। बोल, तुम बाजी हो ना? अबे चुप कर। का एक तो बशीरा कहाँ चला गया, अजीब अजीब नमूने आगे चिमट गए मुझे। सवाल का जवाब दो ना। तो यार ये हो गया, छोड़ दो, मैं देख लूंगा। बस 20 रुपए में गाड़ी छोड़ दी और क्या करूंगा। क्लैप क्लैप क्लैप। अबे बशीरा किधर गया था? क्या हो रहा है? एक तो ये नमूना देख कब से मेरा दिमाग खा रहा है। क्या हो रहा है? कौन है भाई तू? सलाम अलैकुम जमादार साहब। कहाँ का जमादार? तूने मेरे हाथ में झाड़ू देख लिया? नहीं, मुंह काला देख लिया। तभी इससे बात। अरे बड़े तो यही कहते थे जमादार तू मानू तो बुरा मान नहीं है, मैं पागल हूँ देखो। अरे जमादार नहीं हूँ मैं, सिपाही हूँ यार। सिपाही हो? हाँ यार, ये सिपाहियों पे बड़ा तरस आता है बेचारों पे यार। क्यों? खुदा की कसम, जब भी तरक्की हो, जब भी कोई बैज लगना है, जब भी कोई नाम मिलना हो, अफसरान आगे आ जाते हैं, और जब पुलिस मुकाबला हो सिपाहियों को आगे कर देते। खुदा की कसम, सिपाहियों पे बड़ा तरस आता है। जब भी पुलिस मुकाबला हो, दूसरे दिन अखबार पढ़ो, 3 सिपाही शहीद, SHO मामूली जख्मी। सिपाही है खुदा ने, तुम्हारे साथ बड़े जुल्म होते हैं यार। मैं कितने कलम की बात कर रहा हूँ। अरे बड़े ज़हीन आदमी हो भाई, क्या बात? ये बात मेरे को सवाल के जवाब नहीं दे रही। नहीं, सवाल का सवाल क्या था जो जवाब नहीं दे रही? तुम दे दो। हाँ मैं दूंगा। तुम्हारा मूवी तो पुराने प्रोफेसर जैसा है। कर रहे यार तुम बताओ। हाँ तुम चुप रहो, तुमने जवाब नहीं दिया, तुम क्यों पूछ रही हो? बोला बोलो जल्दी से उसको। तुम चुप रहो। हाँ नहीं तो। अरे क्या हुआ, मुझसे पूछो यार। ये बताओ। हाँ वो कौन सी चीज है जिसके फटने की आवाज नहीं आती? हाथ हटा। क्या हो गया? बचा। वे आसान जवाब, तुम गलत समझ रहे हो। क्या? दूध। आएगा पागल है, इतना जहीन आदमी है, क्या सेंसर की कैची मारी है तूने? औरतों से ऐसी बातें नहीं की जाती। अच्छा, ऐसी बातें औरतों से नहीं? नहीं, फिर इनसे औरतों वाली बात पूछ लूं। ये बताओ, बावर्ची खाने में जाती हो? गरम मसाला समझते हो? गरम गरम मसाले में से लौंग निकाल लो, गरम मसाला ठंडा तो नहीं हो जाएगा? अबे बशीरे देख फिर उसे जवाब दे। रुको करो ना, तुम रुक के ये पागल है। अबे ये पागल है, ये पागल है, ये पागल है, ये पागल है। ये मुझे दे। हां मुझे छोड़ दे। ओ भाई मुझे एक बात बता, तू लौंग को उसके खानदान से क्यों अलग कर रहा? अबे यार तुम भी पंगे ले रहे हो, तुम तो समझदार आदमी हो, मुंह काला हुआ तो क्या हो? ओ पागल आदमी सीधा खड़ा हो। तुम तो समझदार आदमी हो, ज़हीन आदमी, तुमसे सवाल पूछ लूं? मैं बड़ा ज़हीन आदमी हूँ, कोई भी सवाल मुझसे पूछ लो। हिसाब का सवाल है। हाँ ये बताओ, 100 रुपए में से अगर 80 रियाल निकाल दो, कितने डॉलर बचेंगे? बताओ ना बच्चे, बताओ। अबे इसका जवाब तो कोई पागल ही देगा, इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ। अरे सीधा जवाब है ना, 100 में से 80 रियाल निकलेंगे, ना डॉलर बचेंगे। अबे वाह बात तो सही है भाई। अबे तुम हाथ पे हाथ क्यों नहीं मारती? बात तो सही है, मर्दों वाली तो ड्यूटी कर रही हो, हाथ नहीं मार रही? नहीं हाथ बात नहीं मारेगी भाई, हाथ बात मारती हूँ इधर गाल पे सीधा। चलो चलो चलो, इनको समझा लो, खुदा की कसम मैं अली हसन छोड़ दूंगा इन पे। नहीं नहीं वो जुल्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। तुम तो समझदार माशाल्लाह बहुत ज़हीन आदमी हो भाई, कुछ नहीं ना, तुम तो समझदार आदमी हो। मैं बहुत समझदार, तुम्हारे मुंह नहीं लग रहा, जाओ। मैं अपने अब्बा से शादी भी नहीं कराऊंगा तुम्हारी। अड़ती है यार ये तो। अरे भाई तुम क्यों इससे बातें कर रही हो? ज़हीन आदमी हो, बहुत ज़हीन। अरे यार एक बात समझ नहीं आ रही, ये शायद आफरीदी छक्का मारेगा, एम्पायर गोल नहीं देगा? अबे ओ दरमियाने पागल, मैं कसम खुदा की, अबे कहाँ से लाई है इसे तू? इधर से मिला, पागल कहीं का। अच्छा एक बात और बता दो। हाँ एक बात और, अपने भी नहीं लेना। नहीं नहीं, कौवे अगर गोरे हो जाए उनकी शादी कबूतर से हो सकती है? अबे कौवा कबूतर, मैं को परिंदा हूँ क्या? कौवे तो हो। अबे हर बात दिल पे ले जाते, मैं को पागल है। पागल नहीं है तू, पागल कर देगा।
कर देगा तो मैं क्यों करूंगा, तुम तो गहीन आदमी हो। हाँ, मैं सही। एक और सवाल पूछ लूं? हाँ पूछो। अपने पे नहीं लेना? नहीं नहीं, ये बताओ। हाँ? ये काला रंग ब्लैक हो सकता है? किस बात का पागल है ये, काहे का पागल है ये? अबे पागल है, तुम भी पागल कह रहे हो, ये भी पागल कह रही है। आनी तो मैं तो कौम का साइंसदान हूँ, कौम के बारे में दिन रात सोचता रहता हूँ। अब ये बताओ, जब 24 घंटे टीवी देखोगे, मुर्गी अंडा नहीं देगी? अबे मुर्गी अंडा टीवी का, अबे मुर्गी अंडा क्यों देगी, टीवी के मुर्गी पे बैठा हुआ है क्या? अब समझ आया तुझे बशीर है, पागल है ये? तो पागल है ये तो नहीं कह रहा पागल हूँ मैं। हाँ। ये तो समझदार आदमी है। मैं समझदार आदमी है। अच्छा। हाँ। अब तुम बताओ। हाँ। शादी करोगे तो धमाका नहीं होगा? अबे और धमाके, मैं तुझे खुद के हमले में मरवा दूंगा, खुदा की कसम। खुद के हमले में मरवा दूंगा, पागल का, पागल का बच्चा क्यों कह रहा हो? अब्बा को क्यों बीच में ला रहे हो? फिर वो शादी भी नहीं करेगी? ये बताओ। हाँ पूछो। दिन रात दही जमाओगे तो लोड शेडिंग नहीं होगी? अबे लोड शेडिंग का दही से क्या ताल्लुक, मेरा दिमाग खराब कर देगा, मेरे मुझे माफ कर दे मेरे बाप। एक बात और बता दो। हाँ पूछो। केला खाओगे तो गोश्त महंगा नहीं होगा? अबे केले का गोश्त से क्या ताल्लुक है, मैं मुझे माफ कर। हाँ यार केला तो अकेला होता है। एक बात और बता दो। हाँ। तरबूज पर रख के पकौड़े खाओगे तो अम्मी को तलाक नहीं हो जाएगी? अब मैं पागल हूँ क्या? नहीं तू पागल नहीं, मैं पागल हूँ, मेरा बाप पागल है, मेरा खानदान पागल है, ये सब पागल है, पूरा शहर पागल है, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। देख लो कैसे कैसे लोगों का भर्ती किया है तुम लोगों ने। मैं पागल नहीं हूँ। अच्छा आप डंडा देके पागल नहीं हूँ, सीधो के बोलो। सही बात मैं बताऊं? हाँ। मैं तो आप लोगों से खेल रहा था। अच्छा। क्या क्या खेल रहे थे? हाँ। तुम कानून से खेल रहे थे? तो तुम लोग पूरी कौम से नहीं खेल रहे? पूरी कौम ही खेलने कूदने में लगी हुई है, आवाम कानून से खेल रहे, मुजरिम आवाम से खेल रही है, सियासतदान पाकिस्तान से खेल रहे हैं। यही सोच सोच कर आने वाली नस्ल सोच रही है और हो नहीं रही है कि ये सब तो आपस में खेलने कूदने में लगे हुए हैं, हम दुनिया में आकर क्या बमों से खेलेंगे? थैंक यू, थैंक यू। तो आपने देखा पागलों की, मेरा मतलब है गोलीबाज की परफॉर्मेंस, सलीम शेख, सलीम आफरीदी और नेहा खान की। अब बारी है चालबाज की, लेकिन इससे पहले लेंगे एक ब्रेक। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ओ ये कौन सी चीख है? ये मियां खामा खा अपनी बीवी को मार रही है। मेरी ऊपर तक पहुंच, ऊपर तक पहुंच। ओए किधर ऊपर तक पहुंच है? यूसुफ रजा गिलानी। ओए सर, इस मुल्क के वजीर आजम है। ओए तेरी। वेलकम बैक। और अब है बारी चालबाज की। चालबाज से हम बुलाएंगे सफदर हैदर, आमिर रैम्बो और रिस्क कमाली को। इनके लिए बहुत सारी तालियां। चालबाज सर, मुझे माफ कर दो सर। तेरे को माफ कर दूं मैं? बड़े मुश्किल से तेरे को पकड़ा है मैंने। सर मुझे माफ कर दो, एक दफा छोड़ दो सर मुझे। अच्छा, फिर मैं कभी नहीं आऊंगा सर। बकवास करते हैं, बड़ी मुश्किल से तेरे को मैंने पकड़ा है, फिर नहीं आएगा तू? सर मुझे माफ कर दो सर। ऐसा नहीं होगा, तेरे को छित्तर पड़ेंगे सर। छित्तर क्यों, क्यों छित्तर पड़ेंगे सर? अरे क्यों, क्यों पड़ेंगे? नहीं क्यों, किसी के बाप की तड़ी है सर, माफी चाहता हूँ सर। बड़ी मुश्किल से तू हाथ में आया हमारे, तो ये तुम्हारी कमजोरी है, मेरा क्या सर? बकवास करता है, तेरे तो हम तलाश में मुद्दत से थे। तो सर ये तलाश आपकी थी ना, आपकी कोशिश है, मैं तो नहीं मिली, ये मेरा क्या कसूर है सर? वो ऐसी बात नहीं कर रहे साहब, हमारे मोबाइल में बैठे हुए। अच्छा अच्छा, उन्होंने कहा इसको इतना मारो है। सर एक बात सुन लो सर, बैठ के बात कर लेते हैं, बड़ा फायदा हो जाता है इसमें सर। ये बात ठीक है, चलो बैठ के बात करते हैं। बैठ के बात कर ले सर। चलो क्या बोल लिया था तू भाई? चलो मुझे माफ कर दो सर। बकवास करते हैं हमारे साथ? नहीं सर, माफी चाह रही हूँ सर।
मैंने कहा पड़ा हुआ उठा लो, पड़ा हुआ उठा लो, हर चीज पड़ी हुई उठा लेते हो तुम। सर बैठ के बात करते हैं, बड़े बड़ों ने कहा बैठ के बरकत होती है सर। चलो बैठ के बात करो, चलो बैठ जाओ सर। क्या बोल लिया था भाई तू? आप नहीं सर, कोई पीछे से आ रही है ना। बकवास नहीं करो जी। हमारे साहब ने कहा है जी जी, वो इसको इतना मारो इतना मारो इसकी आवाज मोबाइल तक जाए। ओए वो तेरी आवाज सुनना चाहती है। मेरी आवाज सुनना चाहती है? हाँ। तो सर उनको बोले मेरी कैसेट करवा दे, पूरे पाकिस्तान सुनेगा। ओए बकवास नहीं कर, वो तेरी चीखों की आवाज सुनना चाहती है। मेरी चीखों की? हाँ। सर चीखों की कैसेट अच्छी नहीं होती। ओए बकवास, तू समझ नहीं रहा है? समझ तुम भी नहीं रहे हो। छितर छितर पड़ेंगे तेरे को। क्यों पड़ेंगे छितर? कौन मारेगा भाई? इधर इधर इधर, मैं मारूंगा तेरे को, मैं मारूंगा। आप के पास ऐसे बोलो ना, आप तो भाई अपने। हाँ। आप पुलिस में नहीं होते ना? हाँ। तो फिर ना पुलिस में तू नहीं, आप नहीं, बस आपकी इज्जत कर रहा हूँ, तू बड़ा अच्छा है। बकवास नहीं कर, बकवास नहीं कर दादा जी जी। चलो कुछ मामला कर लेते हैं, ले देंगे। अच्छा मेहरबानी सर, कायदे आजम का एहतराम करते हो? बहुत एहतराम करते जी, हम तो ढूंढते हैं। अच्छा एक काम कर सर। ये क्या? यही तो है सब कुछ, और कुछ नहीं आज की रावा। ये रख लो ये। अच्छा वे रिश्वत देता है? हैं? रिश्वत देता है? रिश्वत नहीं सर, तोहफा। रिश्वत देता है? पूछ रहे। चल ठीक है, तेरा मसला हल कर देते हैं। अच्छा सर मेहरबानी। काम करते हैं जी, मैं जाऊं ना, ये जो डंडा है जमीन पे इधर उधर मारूंगा। पहले तो ये डंडा नहीं है, ये है हेंटर। आप वो घबराए क्योंकि आपका पुलिस मुकाबले होते हैं ना, आपको समझ नहीं आती आपके हाथ में क्या है। हमें जो साहब ने बताया। अरे साहब बोलेंगे, ये फोक्सी है तो मान लोगे अपने चेहरे को? बकवास नहीं कर, माफी चाह रही हूँ, माफी चाह रही हूँ। ये जो छितर है मैं जमीन पे इधर उधर मारूंगा। फिर गलती हो गई। क्यों? ये छितर भी नहीं है, ये पैप है, नरम कर लिया किसी ने। पहले पता करो तुमने हाथ में लिया हुआ क्या है। और पाइप है, और इस पाइप को मैं जमीन पे इधर उधर मारूंगा। अच्छा तू जोर जोर से चीखना और साफ समझेंगे तेरी पिटाई हो रही है। अच्छा बस तू बच जाएगा। एक काम कर लो। क्या? ये 100 रुपए बोल लो। किस बात के हुए? चीखे भी तुम निकाल लेना। माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। चलो ठीक है, हम ही निकाल लेंगे चीखे, ऐसी क्या बात है। सर वैसे चीखे किस्म किस्म की होती है। ओए कितनी किस्म की होती है? एक चीख ऐसे होती है, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, हाँ छोड़ दो मुझे। ओए ये कौन सी चीख है? ये मियाँ खामा खा अपनी बीवी को मार रही है। कभी कभी आपने देखा ना, शादी से पहले उसी लड़की की जुल्फों की कसम खा रहे होते हैं, कितनी प्यारी जुल्फे हैं, और उसी जुल्फ का बाल शादी के बाद दाल में आ जाए तो हेंटर खा रही होती है। जबरदस्त है, जबरदस्त। एक चीख और है। वो कौन सी है? ये देखे। और ये कौन सी चीख है? कुत्ते को देख के डर गया और कुत्ता भी डर गया। माफ कर देना मुझे, माफ कर देना मुझे। और तीसरी चीख कौन सी है? आदमी जा रही है। अल्लाह! यो ये कौन सी चीख है? तारे भारती, बिजली आ गई। और चलो साहब भी मोबाइल में बैठे हैं। चंद चीखें ऐसी हैं जो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं हो, तुम भी जानते हो। वो थाने में आ रही होती। अच्छा तेरी भी चीखें हम निकलवाएंगे अभी। चलो शुरू हो जाओ। अच्छा जी। अल्लाह ला 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 ला, मर गया मर गया मर गया मर गया, ला ला ला, मर गया। साहब तक आवाज जा रही है। कौन है ये? क्यों मार रहा है इसको इस तरह से? तू दिमाग तो नहीं तेरा चल वल गया, खराब हो गया क्या? ये खोते का बच्चा नहीं है, इंसान का बच्चा, मार देगा क्या तू इसको जान से? कौन है बता? कौन है? और समझ नहीं रहा, ये हमारे इंस्पेक्टर साहिबा है। थाना कहाँ है तुम्हारा? वही तुझे इससे क्या मतलब है? नाम बता अपना, है तू कौन? अच्छा तो आपके हाथ में तो स्टिक है ही नहीं। हाँ वो समझ गया, लिपस्टिक जो लगाई हुई है। वैसे भी आजकल स्टिक से नहीं बनता काम, किस चीज से बनता है तुझे नहीं पता। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, डंडी से भी स्टिक से भी आदमी सही होते हैं और लिपस्टिक से भी सही हो जाते हैं। हाँ जी ये अंदर की बात है, अब बता तू है कौन, क्यों पकड़ा है भाई? मैं
11 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढने में नाकाम है। मुझे दीवानो, मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं को छोले लो छोले ले लो। दोनों समझ रही है तो बोलूंगा ना। इस दौर से मार, पीछे से मार, पीछे मार, मार पीछे, घूम जा, घूम बच्चे झमूरे, घूम, घूम, घूम जा। जब जब लेडीज बोल रही तो उनकी बात मानूंगा मैं। आगे आ जा। अच्छा जी, सेंटर में आ जा। साहब जी, आप इनको पहचाना नहीं? और ये वही आदमी है जो मोहल्ले में केस करता फिर रहा है। हाय हाय, तू है वो जो केस करता है? नहीं जी, मुझ पे इल्जाम है, वो तो दाई है लंगड़ी। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए। हाँ? ये जगह जगह पे इतनी पुलिस क्यों खड़ी हुई है? ओए पागल है पागल, ये जो बड़े बड़े लोग आते हैं ना। हाँ? ये उनकी सिक्योरिटी के लिए होती है। और तुम्हें पता है हमारी सिक्योरिटी जो बड़ा टाइट होती है। सिक्योरिटी टाइट है? टाइट है। यही बात गलत हो गई। क्यों? ये बताइए भाई जी, टाइट कहते हैं इंग्लिश में थके हुए को, जब सिक्योरिटी थकी हुई है तो क्या हिफाजत करेगी? भाई बात सुन, ये तो पुलिस के साथ बहस ना। मैं कह रही हूँ, देखो मैं कह रही हूँ, सिक्योरिटी अलर्ट रखे। अलर्ट समझते? अलर्ट क्या है? ये चौकस। चौकस क्या? ये चौकस। ओए ओए, बात सुन, बकवास ना करो ज्यादा, फिर होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, मैं पुलिस हूँ, समझ में आई ये बात? हाँ। मैं तब कह रहा हूँ नर्स, माफ करो। ओए बदतमीज ना हो, तो मैं जरा जा रही हूँ, मेरा आज मुकाबला डाकुओं के साथ, समझ कर बात को जरा कर लेना, अंदर ही मामला सेट, जरा फेशियल विशल कराना है, क्योंकि गोली से तो मरते नहीं है आजकल डाकू, मरते हैं हुसन से। मैं जरा जा रही हूँ, होकर आती हूँ। बॉय सर, जी सर, इधर आ जा बच्चा। जी सर। साहब तो गए, अब हो गए शेर। सर आप समझदार आदमी, एक सवाल का जवाब दे दे सर। पूछो। सर पढ़े लिखे भी आप हो सकता है, ना हो? नहीं मैं मुझे माफ कर, पढ़े लिखे आदमी है सर। एक बात आएगी, ये शोएब अख्तर, हाँ, ये लड़का है या लड़की है? दूंगा तेरे मुंह पे ऐसा। क्यों? वो लड़का है। लड़का है? हाँ। तो इंग्लिश में मिस किसको कहते हैं? लड़की को। तो ये क्यों खबरों में आता है शोएब अख्तर मिस फिट है? मैं बता रही हूँ, वो जो है ना खेल के लिए मिस है, लड़कियों के लिए फिट है। माफ कर दे। बड़ी तेरे को मालूमात है बच्चा, बड़ी मालूमात है। जब तू निकलेगा कराची के शहर के हालात देगा, तुझे बड़ा पता लगेगा। क्या निकलूं मैं? डबल सवारी में पाबंदी लगा दी आप लोगों ने सर। वो तो इसलिए लगाई है ना कि जुर्म 50% खत्म हो जाए। तो पूरे मोटरसाइकिल पे लगा दो, 100% खत्म हो जाएगा, मुल्क में सुकून हो जाएगा। मैं जो कह रही हूँ, खाली मोटरसाइकिल घर से निकले, अपने आप ही वो जा रही है, वो 50 जा रही है, वो वेस्पा जा रही है, अकेले अकेले जा रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओए बगैर ड्राइवर के मोटरसाइकिल कैसे जाएगी? ओए जैसे अमेरिका का जहाज बगैर ड्राइवर के आके बमबारी करके चला जाता है। माफी चाहिए। अब तो तुझे कुछ करना पड़ेगा, साहब भी चले गए, कुछ ख्याल कर लो हमारा। ए सर मैं तंग आ गया हूँ, मेरे को तो क्या, कायद आजम साहब को भी शर्म आ रही इस तरह आते हुए। ये देखे मैं चाह रहा हूँ सर, एक काम है सर, ये मेरी तरफ से अर्ज करना चाह रहा हूँ। क्या? अगर इनकी तस्वीर इसी तरह यूज करनी है तो खुदा के लिए रिश्वत के लिए वो नोट की तस्वीर ही चेंज कर लो, अपनी तस्वीरें लगा दो, ताकि ये नोट शर्मिंदगी तो ना हो सर। इसी नोट की कापी है सर, मुजरे के अंदर पंखों में मारते हैं सर, वो आके पैरों में गिरती है सर। कम से कम उस डांसर की तस्वीर छाप दो कि उसकी तस्वीर उनके पैरों में गिरे, उसको पता चले तस्वीर पैरों में पड़ी हुई कितनी दुख होता है सर। नहीं तो एक और काम कर लेते हैं सर। क्या? डॉलर पंखे में मारो, नीचे गिरेगा, कम से कम डॉलर नीचे तो आएगा, रुपया तो ऊपर आ जाएगा सर। मुझे माफ कर दो सर। बस कर। और तूने ऐसी बातें की है ना, मेरे अंदर का सोया जमीर जो है ना जाग गया है। जाग गया कहाँ है? वो ये बता रहा हूँ, और रखो है नोट को, रखो है मेरी जेब में। बस ठीक है सर, आप तो यहाँ से चले जाएंगे अब। हाँ। मुझे इसी इलाके का कोई और पुलिस वाला पकड़ ले तो मैं क्या बोलूँ? और कोई मसला ही नहीं है ना। क्या? इलाका ही अपना है। अच्छा, कोई भी पुलिस वाला पकड़े ना, हाँ, तो उसको कहना तुम तोता। ये क्या है? ये हमारा कोर्ट वर्क है तोता, वो तुम्हें छोड़ देगा। अच्छा मेहरबानी सर, मेहरबानी। हाँ जी, अब मैं कह सकता हूँ 11 मुल्कों की पुलिस डॉन के पीछे लगी हुई है, किसी का भाप नहीं पकड़ सक लिया, क्योंकि पता है मुझे तोता। अब देखूंगा क्या हो जाए। अजीब जमाना आ गया भाई, ये पुलिस वाले भी अजीब कर रहे। चलो बेचारे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करें। अच्छा जनाब, क्या कर रहा है इधर तू?
हमें पता है। क्या पता है तेरे को? तोता है? तोता? क्या तोता है? क्या तोता? अभी लिया ना हमने। बच्चा तेरी तो मेरे को तलाश थी। नहीं नहीं समझे नहीं आप सर। क्या तोता? वो क्या जानवर वाले नाम है? तोता क्या हुए? क्या हो गया ये समझ नहीं। चल तू चल। एक मिनट सर। पैरिट पैरिट। ओए पैरिट पे ओके चल थाने चल। क्यों 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 तेरी तो तलाश थी। वो किस बात की? चल ठीक है फिर कुछ दे। जरूर तोता। वो क्या तोता? तोता और जानवर के बच्चे तोता लगाया हुआ चिड़िया घर। समझ नहीं रहे मैं कोई पिस्तौल लेके थोड़ी खड़ा हुआ कि उड़ाओ तोता। जो आते ना आपकी तरह कौन उन्होंने पहले मुलाकात करी मुझे। हाँ तोता। जाओ बेटे इसराइल के पोते इस बात को छोड़ो तुम कुछ दो। क्या दू? कुछ दो। अब तो तोता भी नहीं नजर आ रही है। वो मेरी तेरी बात समझ में नहीं आ रही है। वो उन्होंने कहा था कोई पकड़े ना। हाँ तो बोल देना तोता। अच्छा कोई पकड़े तो कह देना तोता। हाँ बेटे हमारे थाने का जानवर ही बदल गया। अरे लाला अरे अरे और ये थे चालबाज से सफदर हैदर आमिर रैम्बो और रिज़ कमाली। इन्होंने हमें बताया कि दुनिया में दो लोगों की इज्जत करनी चाहिए, एक प्रेसिडेंट क्योंकि उनके ऊपर कोई नहीं होता और एक चौकीदार क्योंकि उनके नीचे कोई नहीं होता। यकीनन इनका मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका था क्योंकि सिर्फ उनके ऊपर कोई भी नहीं है सिवाय उनकी बीवी के। अब मैं दावत दूंगी हमारे आज के आखिरी परफॉर्मर गोलीबाज टीम से अयाज समो और कवल नजर। Put your hands together for give them a warm welcome. Chal. 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 Hai hai. रोजी को ना मार भाई। रोजी रोजी का क्या मतलब है? रोजी मेरा नाम है। हाँ ओए तो काम क्या करता है? कभी कुछ करती हूँ कभी कुछ करती हूँ, जो पैसे दे उसे खुश करती हूँ। ओए तेरी तू ये काम करता है? हाय हाय चित्रौल ना मारी। क्यों क्यों डर लगता है चित्रौल से? एक पुलिस वाले ने मेरे प्राइवेट सेक्टर पे मारा था, उसकी हालत गवर्नमेंट सेक्टर से बुरी कर दी। बात बता अगर चित्रौल से इतना ही डर लगता है तू तो लेडीज कंपार्टमेंट में चढ़ा क्यों था? हाय हाय लेडीज कंपार्टमेंट में थोड़ी चढ़ी थी मैं। फिर मैं तो जेंट्स में चढ़ी थी। फिर उन्होंने कहा खड़ी हो जा। हूँ एक ने कहा तू इज्जत बचा लेडीज में जा। फिर मैं लेडीज में गया उन्होंने कहा पीछे जा। मैं फिर जेंट्स में गया उन्होंने कहा लेडीज में जा। मुझे गुस्सा आया मैंने कहा जब पैदल ही चढ़ाया तो बस में क्यों चढ़ाया? मजाक करता है तू हैं? कौन है कौन तू? तू जानती नहीं है? नहीं मेरी ऊपर तक पहुंच ऊपर तक पहुंच। ओए किधर ऊपर तक पहुंच है? यूसुफ रजा गिलानी। ओए सर इस मुल्क के वजीर आजम है। ओए तेरी बात सुन अब बता के कौन है तू बता। मेरे को नहीं पहचानी। बता कौन है? मेरे को नहीं पहचानी। ओए बता यार कौन है? हुन भी नहीं पहचानी। ओए बता ना कौन है? हुन ते पहचान जा। ओए बता दे कौन है यार? हुन पहचान। ओए बता ना कौन है? बता दे। हाँ बीमार हूँ। ओए तेरे की बकवास कर रहे। ये बता का काम क्या करता है? बेरोजगार हूँ। पहले क्या करता था? मोमबत्ती के कारखाने में काम करती थी। मोमबत्ती के कारखाने में? हाय हाय निकाल दिया। क्यों? मोमबत्ती टेढ़ी बना रहा था। उसके बाद क्या किया तूने? बैंक का एड मॉडल लीड मॉडल। ओए तू लीड मॉडल बैंक के एड में? अच्छा क्या किया तूने उसमें? करके दिखाऊं? करके दिखा। ये है आपका अपना कमर्शियल बैंक। आपका बैंक आपका बैंक आप सबका बैंक। अगर आप हमारे बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो डायल कीजिए 0033300। हमारे बैंक की शाखा पूरे मुल्क में फैली हुई है फैली हुई है फैली हुई है। ओए तू मजाक करता है तू हैं? एक बात बता तू ऐसा क्यों करता है? मैं कोई ऐसी वजह खुश नहीं हूँ। फिर फौज में थी। फौज में? हूँ
क्या करता था फौज में? मुझे हथियार दिया, मुझे वाकी टाकी दी, बोले जाओ दुश्मनों के घरों पे हमला कर। मैं वाकी टाकी लेके निकली, मैंने कहा जी सर जी बॉर्डर क्रॉस कर लिया, बोला बहुत अच्छे आगे जा। मैं जी सर जी मोर्चे पहुंच गया, बोला बहुत अच्छे आगे जा। मैंने कहा जी सर जी दुश्मनों के घर तक पहुंच गई, बोला बहुत अच्छे और आगे जा। मैंने जी सर जी बोला तहखाने तक पहुंच गई, मैं बोला बहुत अच्छे वापस कब आ रही है? मैंने कहा जब ये छोड़ेंगे तभी आएगी ना। बात बता मुझे, तू ये क्या काम करता है और तू पुलिस वालों का मजाक उड़ा रहा है? क्यों टपता है इतना फोर्सेस से तू? मुझे पुलिस वाले से बहुत सख्त नफरत है। क्यों? तुम में हमें फर्क क्या है? क्या मतलब है? तुम भी सिग्नल पे खड़े होके मांगते हो, हम भी सिग्नल पे खड़े होके मांगते हैं। बात बता मुझे, तूने और कोई ढंग का काम किया? हाँ ना। क्या किया? मैं न्यूज़कास्टर बनी थी। ओ, खबरें पढ़ी मैंने। अच्छा, हाँ। वहां से क्यों निकाला है तुझे? निकाल दिया, जज्बाती हो गई थी। क्यों? हादसे की खबर आई ना। हाँ? मैंने पता कैसे पढ़ी? कैसे? नवाब से ठट्टे की बस टकरा गई, 10 बंदे हलाक, डस डस डस। इधर आ तू। ठीक, बात बता, ये तू नाश्ता क्यों रहता है हर वक्त? क्यों ना नाचूं? नाचना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। अच्छा, कल रात ना शकुर भाई नहीं है अपने मेहमान, उनकी बेटे की शादी थी, मैं सारी रात शकुर भाई के सामने नाची 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 नाची, सुबह थक गई। मैंने कहा शकुर भाई पैसे, कह रहे तेरे से कैसे पैसे। अल्लाह माफ करे, एक तो तुम्हारे पुलिस वाले को मेरे को बहुत गुस्सा है। क्यों भाई? जब कोई गाड़ी से शीशा खोल के 10 रुपए दे रहा होता है ना, तुम लोग एंड टाइम पे हरी बत्ती जलाते हो। 10 रुपए के पीछे हमको भागना पड़ता है। कल भागी लालू खेत से लेकर सोराब गोट के, फिर सोराब गोट वाले फिर मेरे पीछे भागे। बात बता, तो बातों ही बातों में तेरा नाम तो पूछना ही भूल गई हूँ। नाम बता। माधुरी। दोबारा बता। हाय, हमारे बहुत नाम है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई खुसरी कहता है, कोई पौने आठ कहता है, कोई आलू गोश्त कहता है, कोई मीठा कहता है। मजदा की छत पे बैठते हैं, कोई आके कहता है खजड़ी खाएगी रबड़ी। नाम बता, नाम सही से। माधुरी। दोबारा बता। माधुरी। दोबारा बता। माधुरी। दोबारा बता। माधुरी। मुर्गा बन। अब्दुल शकूर। मुझे तो एक बात बता, तो ये भीख क्यों मांगता है? क्या करे, हर कोई नाच रहा है, हर कोई भीख मांग रहा है। देखो ना, जवान लोग डिग्रियां लेके दफ्तरों के सामने डांस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अमेरिका वाला कर्ज के लिए डांस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? हर कोई डांस कर रहे हैं यहाँ पे। अब जवान लोग हैं, बेरोजगार हैं, डिग्रियां हाथ में, नौकरियां नहीं मिल रही, खुश रहे नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे हम लोग? हुकूमत को चाहिए जवानों को नौकरियां दें, फिर कहते हैं दहशतगर्द हैं, मोबाइल चोर हैं। नौकरियां नहीं देंगे तो लोग क्या करेंगे? नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। और तुम लोग भी रिश्वत नहीं लिया करो, तोहफा बोल के रख लिया करो। हाँ तो व्यूअर्स, हंसी आती है, हंसी जाती है, और हमारे शो में अब कोई वक्त बाकी नहीं है, लेकिन हम लोग फिर हाजिर होंगे आपके सामने अगले हफ्ते हमारे परफॉर्मेंस के लिए, अपने फेवरेट परफॉर्मेंस के लिए, अपने फेवरेट टीम्स के लिए। वोट करते रहिए और उन SMS भेजते रहिए, एंड देखते हैं कि कौन आप किसको कॉमेडी किंग बनाते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक इन न्यू एपिसोड ऑन कॉमेडी किंग्स, एक नया तमाशा। खुदा हाफिज। हाँ, मैं आपकी फेवरेट टीम यानी गोलीबाज टीम, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम आगे बढ़े और इस प्रोग्राम में जीते तो हमें वोट कीजिए, और हमें वोट करने के लिए नंबर डायल कीजिए CK SPACE GB और इसे सेंड कर दीजिए 2791 पे। السلام عليكم لكل الباكستانيه ولا لكل الناظرين لا عربية ولا كوميدي ولا الزهارة ولا SMS الدركارة ولا كل المزايا ولا الذكار ولا الحاضر ولا المزايا ولا الباطل الفازية ولا الذكارية ولا البسنديد ولا الزهارة ولا الفوت ولا SMS। मेरे कहने का मतलब है कि हमने आपके सामने कॉमेडी की, आपने हमें हंसाते हुए देखा। अगर आपको वाकई हमारे ऊपर हंसी आई है, हमारी बातें आपको अच्छी लगी हैं, और कुछ बातें ऐसी जो हमने आपको पैगाम दिए अपने लिए और अपने मुल्क के लिए, अगर आपको पसंद आया तो हमें SMS कर दीजिए, हमें वोट कीजिए। हमारे वोट करने का SMS नंबर है CK SPACE CB, सेंड कर दीजिएगा 2791 पर, और हमें इंतज़ार रहेगा अपनी कामयाबी का और आपकी खुशियों का कि हमने आपको कितना खुश किया, खुश करने के साथ जो मैसेज दिया। हमें आपका इंतज़ार है, वोट ज़रूर कीजिएगा।